हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आइए मेरे संगीत प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, आज की रात आप लोगों को शानदार ऐतिहासिक पारिवारिक सामाजिक भक्ति तमाशा आप लोगों के बीच में पेश किया जा रहा है। हमारे तमाशे का नाम है वीर विक्रमादित्य उर्फ महाकाली की पूजा। आइए दोस्तों, ये कहानी उज्जैन नगर की है। अब चलते हैं उज्जैन नगर, जहाँ के सेठ जी और सेठ जी के हम मुनीम है। चलते भैया, दुकान हमारे सहारे पर चलती है और सेठ जी हमारे ही सहारे पर रहते हैं और सेठ जी का हम पूरा काम करते हैं। चलते भैया, सेठ जी से मुलाकात करते हैं। अरे मुनीम। हाँ सेठो। अरे हमारी दुकान में देखो कितना सौदा अभी बाकी है, क्या कम पड़ गया है। हम शहर जा रहे हैं। हाँ सट्ठो। सौदा लेना है और देखो किस चीज में घाटा है। हाँ। और किस चीज में फायदा है। ठीक है सट्ठो, अभी देखते हैं सट्ठो। सट्ठो सट्ठो। हाँ। सुपारी मंगाना है। सुपारी? हाँ ठीक है। और सुपारी तो है। लोन मंगाना है। हाँ हाँ लोन लोन। लोन क्या होता है? लोन नहीं जानते हम? अरे जो खड़ा वाला नमक होता है। अच्छा, क्योंकि लोन में तो मुनाफो है और नमक में घट्टो है। अरे लोन और चीज है, नमक और चीज है। हाँ सेठो। ठो। हाँ। लोन है जो खड़ा वाला टर्रा वाला है, जो बोरी में आता है बड़ा बड़ा दानेदार, और जो नमक पिसा हुआ है तो पिसे वाले में जो है, में जो आता है उसमें मुनाफा है। और जो लोन है बोरी वाला इसमें घट्टो है। हाँ तो फिर पैकेट वाला बेचो, उसमें मिलावट नहीं है। और क्या लेना है? और डली में घट्टो, सुपारी में मुनफो है। तो? हाँ सेठो। और सुपारी में? हाँ सेठो, मुनफो है। कितना घाटो है, कितना मुनाफो है? कुल मिला के सेठो, कुल मिला के चलो 40-30 60-65 रुपए का खर्चा मान लियो आ रहा है, फायदा और घाटा चल रहा। अच्छा तो इसको बंद कर दो बेचना। अरे नहीं सेठ जी, और जब महंगाई आएगी तब इसको बेचना। ठीक है सेठ जी। और तुम लिस्ट बनाओ। सेठ जी गुड़ नहीं है। गुड़? गुड़? हाँ सेठ जी। अच्छा और का कहा तो वो नहीं, दाना नहीं है। दाना? हाँ। अच्छा साबुन दाना। हाँ तो ऐसा बोलो। सेठ जी काली मिर्च गरम मसाला, इसे थे औरतन के ज्यादा ठंडी वंडी लगा देना। ऐसा करो सेठ जी। हाँ। सौर जो बच्चा पैदा हुआ था। हाँ। तो सौर वाला मसाला नहीं ना है। अच्छा। हाँ तीन गहकी काल लौट गए सौर बंधा। हाँ सेठ जी आजकल बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। सेठ जी और... सेठ जी सीजन चल रहा सेठ जी। गुड़ खूब बिक रहा और सौर का मसाला बिक रहा। हाँ सेठ जी। कुकरौंधा मंगा लियो सेठ जी। तो कुकरौंधा क्या करोगे? कुकरौंधा लड़कन के चुन्ना जो लाग जाते हैं। अच्छा अच्छा ये भी बिकता है। हाँ सेठ जी। अच्छा ठीक है तो पर्चा लियो बना लियो सेठ जी। हाँ। और सब सौदा फिर ले आयो बैठ। ठीक है। हाँ पर्चा बन गया। हाँ हाँ आइए बैठिए सेठ जी। श्यामू सेठ, हम तुम्हारे घर पर आए, आप हमें नजरें उठाकर तक नहीं देखा। और श्यामू सेठ याद रखो,
अगर तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम शनिदेव नहीं है। मुनीर, तो ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि ये साया इधर से गया है। सिट्ठो, हो सका था तो कौंधा वो आग हो कौंधा बादर वादर बादर। हाँ बादर आया, आग बादर बादर नहीं। आज कौन सा दिन है? आज सिट्ठो आज आज शनिवार है। शनिवार? शनिवार है। हाँ हाँ शनिचर। तुमने दुकान के सामने वो नींबू मिर्चा जो टांगा जाता है उसको टांगा था? नहीं सिट्ठो, आज तो लाइन का नहीं आवा। अरे बहुत गड़बड़ कर दिया तुमने। तो फिर उहते का हुआ? शनिवार है। हाँ हो सकता है शनि देवता ही हो, आया हो और लौट गया। अच्छा सिट्ठो, और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। अच्छा सिट्ठो चलिए। और आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। रहे किससे कितने कब है लेने, उसी के पन्ने पलट रहे। आइए दोस्तों इधर देखिए, श्यामू सेठ दुकान का सौदा लेने के लिए जाते हैं और उधर देखिए रास्ते में क्या होती है, घटना होती है। ये शनि देव ऐसे देवता साधारण देवता नहीं है, न्याय के देवता है। और देखिए आज से और कैसे शनि देव का प्रकोप होता है इस श्यामू सेठ के ऊपर। आइए दोस्तों कहानी पर गौर कीजिए। कहा बताई भैया हो रहे हो? काल तो लाग गए रहा जुगाड़, पैसा वैसा है जेब में? हाँ है। तो चली भैया, एक एक ऐसा धंधा यहाँ है, नशा बहुत खराब है। और चली भैया देखी आवत हुई है रमुआ से मुआ होर, और चली बटोर करी। चले भैया एक लगाओ दुई पाओ, दुई लगाओ चार पाओ, चली खेल बनाई कुछ। जय राम जय राम जय राम। और बढ़िया बताओ? और अरविंद भाई बढ़िया, कोई आवन है भाई? यार कहाँ आवा, क्यों ना इंतजार तो कर रहे हैं बहुत देर से। जय राम जय राम जय राम जय राम। और ठीक है? आयो। और काका आयो? भगवान दिन काका। आओ भैया। और ठीक है? बहुत दिन की बात मिले हमकी। कहीं तो आज हमका लागत काका सैगर माल लायो का? यार वही दिन जोने दिन ते 2000 रुपए हारे ने। रुको रुको आ रहे आ रहे आ रहे। राम 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 जय जय राम। आओ राम दो भैया ठीक है? ठीक है ठीक है। आओ दो भैया ठीक है? वही दिन लइका 3000 जीत गए हैं। हां अरे यार खेल आए बनी गवा। सुना वो दिन तो जीत के लेके गए। हाँ। और लेके जब गए तो हम कहें लाए एक आधा दांव कर्रा मारी। हाँ। हमें कर्रा मारे के चक्कर में पूरी गड्डी चली गई। अच्छा। फिर गए ठेके थोड़े बहुत पैसा बचे रहा दारू पिया, और दारू पिए के बाद मारे गुस्सा सो गए। चलो ठीक आज हम यार धान वन बेच गए। जब सो गए। हाँ। और जब घर उभर सो गए, जब पैसा कौड़ी नहीं बचा तो हम सोचे अब काल जुआ काहे ख्याल। अच्छा। उठावा घानु अलमारी डारन टोरी। अलमारी डरन टूर पाजे बकरा धनी झुमकी बाला सब सामान पूरी मेहरुआ का लाइन है। कहे हो दिमाग खराब कहा तुम्हार? अरे मेहरुआ पूरी सामान लाओ। कहा कहा मेहरुआ का पूरी सामान लाए? तुम सुने तो कहा हो? तुम्हें तो कहा था झुमकी कर धनी बाला मेहरुआ पूरी सामान। हाँ मेहरुआ का पूरी जेवर लाइन है। अरे तो हिबित बताओ ना कि मेहरुआ जेवर लाइन है। आज आज दाव हुए हैं कर रहे न कर रहे। देखो एक काम करो, आज मिलके जुआ हुए। मिलके हुए? हाँ बाहर वाले सारी आवा चूतिया बना से ले जात। आवाज चार जने सधिक जुआ हो जाई। सही कह रहे हो तुम। आज साथ हो दे एक दूसरे के यार, और बाहर वाला वही का फसाओ। सही कह। अच्छा
रोज रोज मेहमान जब आज मेहमान वाला काम ना हो आज हुआ एक बार खेली से हम आज भगवान दिन अरे भाई यहाँ राम 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 आदमी तो अच्छे मालूम होते हैं यहाँ क्या कर रहे हो 3, 4, 5, 6 क्या मतलब अरे सेठ जी पूछो ना इसे पैसा गिना के आगे समय नहीं मिल पा रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18,000 ओ भैया धार लियो सेठ जी का नजर रुपये न पा है सेठ जी का बात अरे हम ये सोच देख रहे हैं कि तुम सभी लोग हाथ में पैसा लिए यहाँ क्या कर रहे हो सेठ जी हम लोग खेल खेलते हैं हाँ कैसा खेल दांव लगाते हैं एक लगाओ दो पाओ और दो लगाओ चार पाओ चार लगाओ आठ पाओ आठ लगाओ 16 पाओ हाँ आठ लगाओ 100 पाओ 10 लगाओ 20 पाओ ये भी बतावा तो 10,000 लगाओ 20,000 पाओ 50,000 लगाओ 1,00,000 पाओ 2,00,000 लगाओ 4,00,000 पाओ सेठ जी अगर रुपया पैसा न पूरा हुए तो अपनी सामान गिरा धर दियो सामान मतलब मोबाइल धर दियो घड़ी धर दियो अंगूठी धर दियो चैन धर दियो चश्मा धर दियो कपड़ा धर दियो घर द्वार धर दियो अपनी घर का मेहरिया धर दियो जुआ ऐसा खेल सेठ जी लेकिन सेठ जी तुम मनी हो ना सेठ जी एक महीना के अंदर 40 टके खरीदे न 40 खरीदा खेल के बदौलत आए पूछो आज खेल के बदौलत आया तो सोहरत बनी है पढ़ो क्या लगे रहा अपनी मौसी का गिरोह धरिया रहा हार गिरा भैया हाँ मौसी का हारन उनकी बदले इनकी दीदी का जीत लाएन तो हार जीत का खेल है फिर अरे इसमें आदमी घर द्वार सब कुछ लगाया जाता है वाहरे खेल ठीक है आप लोग बैठिए हम भी खेलेंगे अगर अगर 1 रुपए का 2 रुपया बना जा रहा है तो इस खेल को खेलने में क्या दिक्कत है देखिए हमने कभी खेला नहीं है भाई अरे आइए सेठ जी इसमें खेलने की क्या बात है अच्छा ठीक है सेठ जी आज खेली तुम्हारे खोते समझ में आ जाएंगे सेठ जी ऐसा खेला है कि आज तुम खेलो तुम्हारे समझ में आ जाए और तुम रोज खेल रहे हो पैसा लगा रहो लगाओ जा बराबर गड्डी हो बनाओ कुछ बुला भैया कैसे खेलते हो गोटी बनाओ गोटी बनाओ मुझे पैसा लाओ ना और का दा रुपया बनाओ गोटी बनाओ धान में आचा है भैया अरे काका धान में आचा है आवाज नहीं चलो तो भैया घसीटे भैया हां लगाओ कितने लगाई हो तुम चलो चलो 1,000 से शुरू हुए 1,000 हमारा 2,000 लाग 2,000 हाँ चलो ठीक काका तुम कत्ते लगा रहे हो भैया हमारे 1,000 लाग है ठीक काका समझ बूझ लियो अंदर की तो बाहर अब तो मंचे कम लगाए हो देख लियो मेहरुआ के लाइन है हाँ हो हाँ ये तो जेवर है हाँ ये जेवर ले आए मैं सेठ जी हाँ इनमें सब कुछ चला था अच्छा हाँ मैं जेवर लगाओ घर लगाओ द्वार लगाओ तुम्हारे पास मोटरसाइकिल हुआ ट्रक हुआ तो इसमें आप लोगों ने इतना पैसा लगाया है हमको लगाना है हम भी लगाते हैं अच्छा देखा जाएगा जो कुछ होगा तुम और रखो कसीटे हाँ सेठ जी ये 1,000 ये लगे है उन लगे लगाओ काका कितने लगा रहे हैं ये 50,000 की पूरी है ये देखिए मैं 2,000 रुपया मैं भी लगा रहा हूँ ठीक सेठ जी उला सेठ जी हाँ नंबर 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 पूछो नंबर सेठ जी आपका नंबर कहाँ रहा सेठ जी का दो पहले सेठ जी बताओ सेठ जी आपका नंबर कहाँ रहा चार नंबर तुम्हार चार नंबर तीन नंबर हमारा रख लियो तुम्हार दूसरा नंबर भाई हमारा दूसरा नंबर तुम्हार पहला हमारे उला रहा छह नंबर तुम ले लियो फिर का अच्छा हम 6 नंबर ले लिए चलो तुम कहो तो किस्मत अजमाई चलो चलो
चलो 6 नंबर। सेठ जी हम जीत गए। हाँ सेठ जी, अरे हम जीत गए। हो गया पैसा, नहीं करेंगे हम जीत गए। सेठ जी देखो पैसा मामला, जल्दी अपना लाओ, अच्छा पैसा ये उठाओ तुरंत, पुलिस भी आ जाते हैं। हम लोग ईमानदारी खेल खेले। सेठ जी क्या आप नहीं खेलोगे क्या? लाओ अभी तो लाओ। नहीं ये नहीं लगे रहा, तेल लगे रहा सेठ। अच्छा अब हम चलते हैं। कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? जा रहे, हमारा खेल हो गया। ना 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 ना, ये वो खेल ना, जो तुम समझाता हो ठीक है। ख्याल सेठ जी, यहाँ या फिर जीत के जाओ या फिर हार के जाओ। हाँ पूरा ये नहीं बना ली हो तुम, चल दे। तो देखो एक बात हम बताए आपको, आगे एकदम निकल लिया धीरे। सेठ जी सुनो, चपर चपर मत करो, खेल खेलेंगे बड़ा। तुम भी अपना घर दरवाजा द्वार लगाओ, और तुम भी सब लोग अपना अपना घर और जायदाद संपत्ति जितनी भी है सब लगाओ। सेठ जी, सेठ जी ये तो सब बड़े आदमी हैं। सेठ जी हाँ, हलुक पातर आदमी ना समझो हमका। अच्छा आधे दिल्ली स्टेशन के मालिक है ना हम। आधे दिल्ली स्टेशन के? लेकिन बेड़ी मांगिन कपड़ी अकबर। सेठ जी आधे दिल्ली स्टेशन के मालिक हम, पूछो हुआ हम करित का क्या करते हो? हम स्टेशन पूरी बहारी थन, और बहार बोहर के स्टेशन पर जाये थे, कोह के पर्स गिर गए, कोह झुमके गिर गए, कोह जंजीर गिर गए, कोह माला गिर गया, सब बटोर के इमा धरी थन। तो है अब अगर मौका मिल जाता तो दो चार बुआ का काट दे थन पीछे से, ट्रेन चली जाता पीछे सारा सामान निकाल ले थन। चलो हम पैसा अब अपना कपड़ा अब घर दुआर और जाओ कुछ लगाओ। आओ का लगाओ, आओ तुम सेठ जी। तो क्या हम छिड़े हैं क्या? लगाओ सेठ जी, खेल खेल सेठ जी, खेल खेल लगा खेल। और ये हम सब कुछ लगाएंगे, तुम क्या समझते हो? सेठ जी रुपा सब लगा है, लगाओ। ये देखो हमारा माला, ये 2 लाख रुपए का। तुम लोगों ने सब कुछ लगा दिया तो हम भी लगा देंगे। लगाइए सेठ जी, क्या समझते हो? लगाइए सेठ जी। हाँ लो लगाइए, लगाइए सेठ जी। लगाओ सेठ जी। और हाँ, ये हमारा बैग भी लगा, इस बैग ये हमारे जूते भी लगे, बैग में क्या है? और ये डंडा भी लगा। सेठ जी आप फेंको। ठीक ठीक, रुको रुको, तुम भी लगाए हो सेठ जी? वहां करधनी कहाँ गए भाई? करधनी यही होगी, देखो करधनी। रुको बताइए सेठ जी, पूरी डिब्बा पूरा डिब्बा लगा दे तो तुमका तहावे में आराम रही। पुलिस भी आती क्या? हाँ टाइम टाइम पे आवा था, होशियार रहो। देखो भाई सेठ जी, चुप रहिए चुप रहिए, हमारा फैसला हो जाए। सेठ जी ये जो कपड़ा निकाल के धरे है, कपड़ा निकल भाई आधी कीमत लगी, ख्याल रखो, ख्यालो नहीं भाई खेल ना हो। चलो यार जब खेल ही रहे हैं। सेठ जी जुआ ईमा चाह जतनी कीमती सामान हुआ आधे पे लागी। हाँ सर 10,000 खाए तो 5,000 पे लागी सर। ठीक है चलो ठीक है। हाँ सेठ जी बसो गुट, यो चश्मा कितने का है? चश्मा हमारा 500 का है। ये भी लगा दो, दो गुना हो जाएंगे। ये भी लगा दिया अलग रूप से। उलाए जय बेमानी मैया, बेड़ा पाल लगायो आपके कितो हार कितो पार। देखो देखो ऐसा करो, एक काम करते हैं, सेठ जी को बाजी दीजिए, नहीं तो यही कहेंगे कि ये लोग बेईमानी कर लिया। अरे बेईमानी हमारे पैदाइश में नहीं है, तुम पता नहीं क्या बात कर लियो। लाओ लाओ क्या हमको भी दो। जय हो, हे लक्ष्मी महारानी, हम तुमको समय लगा रहे हैं। और देखो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। पुलिस 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 पकड़ो सबको। पुलिस 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 पुलिस।
जमीदार, सब इकट्ठा करो माल, सारा माल इकट्ठा करो। ये साले जुआड़ी यहाँ आते हैं और लाओ और ये माल लाओ, चलो ले चले। हाँ साहब चलो। और महाराज के खजाने में जमा करते आइए। श्री महाराज जी की जय हो। खुश रहो दरबारी। हाँ राजन। ये बताओ हमारी इस उज्जैन नगर की प्रजा का क्या समाचार है? आपकी प्रजा का हालचाल सब ठीक है महाराज। अरे वाह, प्रजा आपकी जय जयकार करती है। बहुत अच्छी बात है जी महाराज। दरबारी कहिए महाराज। बहुत दिल खुश हो जाता है जब आप लोग बोलते हैं जी मालिक कि हमारी इस उज्जैन नगरी में किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। हाँ मालिक, कोई परेशानी नहीं। वाह, ऐसा ही होना चाहिए जी मालिक। ये मेरे शासन काल में हर एक मालो माल है, माल है, और ये है जहां तक ख्याल कोई भी नहीं कंगा। और ये जिक्र है बिल्कुल नहीं, उज्जैन में दुख दर्द का, और ये जिक्र है बिल्कुल नहीं, किसी को कोई नहीं कोई तकलीफ दुख। घाट पर पिया करते एक साथ पानी, वाह मेरी उज्जैन नगरी वाह। ये वीर विक्रमादित्य आपको बार बार प्रणाम करता है, और जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा ये आपको कोटि कोटि प्रणाम करता ही रहेगा। दरबारी कहिए मालिक। चैत्र की पूर्णिमा आ गई है जी मालिक, जिसे क्या कहते हैं अष्टमी नवमी, दुर्गा नवमी आने वाली है। हाँ राजन। हम चाहते हैं मंदिर सजवाया जाए, क्योंकि कल सुबह ही हाँ हमें काली माँ की पूजा करनी है। तो ठीक है महाराज, आप चल करके तैयारी करिए और कल सुबह माता जी के मंदिर पूजा करने चलेंगे। और सभी कंचनियों को अपने नगरवासियों को सूचित कर दो जी महाराज कि कल मंदिर पर हाँ सभी लोग अपनी अपनी पूजा की थाल लेकर के उपस्थित हों। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आइए महाराज। दरबार यहीं से बंद कर दो।